सर, मैं केजरीवाल जी के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ये हकीकत है हमारा। तो ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम फूलचंद मुरसानी, मैं हास्य कवि हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, हास्य कवि हैं? जी हाँ जी हाँ। तो बताइए कुछ विपक्ष में कुछ सुनाइए। मैं सुनाता हूँ, विपक्ष की भी सुनाता हूँ, पक्ष की भी सुनाता हूँ। कल मेरी भाभी जी कहने लगी, देवर जी मुझे ले चलो। मैं कहने लगा, भाभी जी कहाँ ले चलूं? बोले केजरीवाल का सब समारोह हो रहा है। मैंने कहा भाई हो तो रहा है, क्या मुझे ले चलो? तो किस प्रकार कह रही है सुनिए। हो रहे हो सपत समारोह आज, दिखा ला मोकु देवरिया, और दिखा ला मोकु देवरिया, घुमा ला मोकु देवरिया, है रहे हो सपत समारोह आज, दिखा ला मोकु देवरिया। और कहने लगी, और केजरीवाल पे बजरंगी बाबा ने दया करी अति भारी, और केजरीवाल पे बजरंगी बाबा ने दया करी अति भारी, और झाड़ू वाले में वोट दे गए, और झाड़ू वाले में वोट दे गए दिल्ली के नर नारी, है रहो सपत समारोह आज, दिखा ला मोकू दे बरिया। और कहने लगी, और बड़े बड़े दिग्गज रण में कूदे सब धूल चा के भागे, बड़े बड़े दिग्गज रण में कूदे सब धूल चाट के भागे, और मोदी अमित शाह टिक नहीं पाए, और मोदी अमित शाह टिक नहीं पाए केजरीवाल के आगे, है रहो सपत समारोह आज, दिखा ला मोकू दे बरिया, और दिखा ला मोकू दे बरिया, घुमा ला मोकू दे बरिया, है रहो सपत समारोह आज, दिखा ला मोकू दे बरिया। सर ये तो दिलों की धड़कन है केजरीवाल, मत पूछिए केजरीवाल ने किस प्रकार से किया है, क्या किया है, मत पूछिए। आज दिल्लियों के दिल में बसता है केजरीवाल, जिसका नाम है केजरीवाल, दिल्ली का है अच्छा 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 ला केजरीवाल। अब तो आए ना पॉलिटिक्स में, तब तो केजरीवाल मतलब दिलों की धड़कन बन गए। केजरीवाल के पहले आपके दिल किसके लिए धड़कते थे? ऐसा मोदी के लिए भी धड़कता था दिल। अच्छा, मगर आज मोदी जी ने क्या किया मत पूछिए। अच्छा, मैं बताता हूँ मोदी जी के लिए। मोदी हमारे प्यारे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और हम चाहते हैं ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री आए, परंतु उन्होंने एक काम बड़ा ऐसा कर दिया कि मत पूछिए। सारे काम अच्छे करे, एक काम कैसा किया मैं बताता हूँ आपको। ओ मोदी क्यों झूठी ठोके ताल, मोदी क्यों झूठी ठोके ताल, मुझे रोना आता है। आज हमारा व्यापारी, प्रत्येक व्यापारी गिरा हुआ है। आज मत पूछिए व्यापारियों को रोटी मिलती है नहीं मिलती, किसी ने आज तक देखा नहीं। और मोदी क्यों झूठी ठोके ताल, मोदी क्यों झूठी ठोके ताल, और मेड इन इंडिया के चक्कर में व्यापार का कर दीना बुरा हाल। मोदी क्यों, ओ मोदी क्यों झूठी ठोके ताल, मोदी क्यों झूठी ठोके ताल, मोदी ने घोषणा करी थी सिंगल यूज, वो ठीक है, परंतु आपने क्या किया? और सिंगल यूज की तो बात ठीक है, पर रिसाइल पे क्यों बैन लगाया? और बच्चे तेरे भूखे सो रहे, तुझे जरा रहम नहीं आया। भाई साहब कहा नहीं जाता, आज प्लास्टिक वालों का दिल्ली में बुरा हाल है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। क्या प्लास्टिक वाले अफीम की खेती कर रहे हैं? क्या अफीम को काम कर रहे हैं? क्या चरस भांग अफीम या स्मैक बेच रहे हैं? अरे मोदी जी जरा देखिए गौर से, ये तुम्हारे बच्चे हैं, भूखे मर रहे हैं। देश का राजा बाप तो नहीं होता, मगर बाप से भी बड़ा होता है। मोदी जी आप देखिए, मैं आपके माध्यम से मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी इन प्लास्टिक वालों पर जुलम मत करिए, ये आपके बच्चे हैं, आपके बेटे हैं। यदि ये बच्चे मरेंगे या बच्चे भूखे रहेंगे तो आप क्या करेंगे बताइए? आप पूरे भारत के बाप हैं, बाप राजा बाप होता है जनाब। मैं, मेरी आत्मा बड़ी रो रही है। आज मैं प्लास्टिक का काम करने वाला था, आज बेरोजगार हूँ। सारे प्लास्टिक वाले जितने व्यापारी हैं सबका नाश कर दिया मोदी जी ने। हे मोदी जी, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़ जोड़ के, इस व्यापार को जरा संभालिए, लोगों को काम करने दीजिए। आपको लगता है कि पहले आप मोदी जी को वोट किया करते थे, अब आपको लगता है केजरीवाल जब से आए, केजरीवाल बढ़िया काम करें, केजरीवाल कुछ कर सकते हैं देश के? सर केजरीवाल की तो बात ये है ना, मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, केजरीवाल के हाथ में है क्या आप बताइए? लॉ ऑर्डर नहीं है, पुलिस नहीं है, दिल्ली का केवल विकास कर सकते हैं वो बेचारे, क्या करेंगे? मोदी जी तो हमारे सर के ताज है, देश के राजा है, वो चाहे वो कर सकते हैं जनाब, क्या करेंगे बताइए आप मुझे?
कोई भी बता दे मुझे, दिल्ली में केजरीवाल पूरे राज्य का दिल्ली में दर्जा ही नहीं है, केजरीवाल कर क्या सकते हैं। बस मैं आपके द्वारा यही विनती करना चाहता हूँ, हे मोदी जी, मैं आपसे बार बार प्रणाम करता हूँ आपको। आप जैसा प्रधानमंत्री एक सौभाग्य वाले देश को मिलता है, परंतु आप व्यापारियों को देखिए, आप देखिए, आपने सारे काम अच्छे किए हैं, जो भी काम किए अच्छे किए, केवल भोपाल का जो ये व्यापारी रो रहे हैं, आज हाथ पे हाथ रख कर रो रहे हैं, दिल्ली में पूरी जगह सीलिंग चल रही है। पूछिए किस प्रकार से सीलिंग चल रही है, मैं आपको बताता हूँ। क्या नाम है सर आपका? आशीष। कहाँ से आए आप? मैं बवाना विधानसभा क्षेत्र से आया हूँ। तो क्या लगता है केजरीवाल के जो आप शपथ समारोह में आए थे, तो क्या नया सुनने को मिला, क्या नया देखने को मिला आपको? नया देखने के लिए जनसैलाब मिला। ये जनसैलाब सिर्फ दिल्ली का नहीं है, हिंदुस्तान के कोने कोने से आया हुआ जनसैलाब है। और ये कोई 300 रुपए देके 500 रुपए देके किसी नाश्ते या चाय के बहकावे में नहीं आया। ये सुबह 9 बजे उठ के, सुबह 7 बजे उठ के, सुबह 6 बजे उठ के अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, जो जितना जिसका डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग ये अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पे आ रखा है, दिखाने के लिए अपना जज्बा कि केजरीवाल जी जीते हैं तो उनके समर्थन में जाना पड़ेगा हमें। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी आपकी ऑडियंस है, सबसे पहले मैं ऑडियंस का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपको दिखाएगा बिल्कुल सच्ची न्यूज। क्योंकि यहां पे जो लोग खड़े हैं, इन्होंने बात नहीं कर रखी हमसे कि आपको ये बोलना है, यहां पे सच्चाई दिखाई जा रही है इस चैनल पे। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, जहां तक भी मेरी आवाज जाती है इस चैनल के थ्रू, आप भी आम आदमी पार्टी से जुड़ें और एक नई अलख जगी है जो देश के अंदर, उसमें आप भी साथ दें दोस्तों। परिवर्तन की राजनीति, विकास की राजनीति और काम की राजनीति को सपोर्ट करें। जो लोग यहां पे आ चुके हैं भाई, वो तो सपोर्ट में है ही, लेकिन जो लोग दूर स्टेट में है, जो लोग नहीं आए हैं, उनसे भी मेरा कहना है कि अगर आपके यहाँ पे कोई भी मंत्री आता है तो आप उससे यही कहना, कोई भी नेता आता है, कि आप हमारे क्षेत्र में केजरीवाल की तरह काम करके दिखाओ तो आपको वोट देंगे, तभी हमारे देश का विकास होगा। दिल्ली का मॉडल पूरे भारत में जाना चाहिए। जो मॉडल दिल्ली में चल रहा है, हमारी आम आदमी पार्टी उसको पूरे भारत में उसका विस्तार करेगी, पूरे भारत में उसका निर्माण करेगी, और एक दिन आम आदमी पार्टी का पीएम होगा, प्रधानमंत्री होगा। बोलो भारत माता की, वंदे अरविंद केजरीवाल, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर क्या लगता है कि आपको आने वाले समय एमसीडी है, पिछले बार भी 67 सीटें आई थी, लेकिन एमसीडी में दिल्ली वालों ने साथ नहीं दिया था, आपको लगता है कि ये जो इस बार चुनाव हुआ है तो ये एमसीडी तक रहेगा ये लहर? रास्ते मिलते गए, कारवा बनता गया। मैं आपको बता दूं, एमसीडी के चुनाव भी आने वाले हैं और एमसीडी से पहले और भी चुनाव आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी पूरी फाइट देगी और इस बार एमसीडी में भाजपा को मुखी खानी पड़ेगी, क्योंकि विश्वास जीता है आम आदमी पार्टी ने पिछले 5 सालों में वोटरों का। आप देख सकते हैं हमें 90% मैंडिडेट मिला है, वो इसीलिए मिला है 90% सीटें, क्योंकि आम आदमी पार्टी के काम से लोग खुश हैं। इसीलिए ये अंकल जी महाराष्ट्र से आए हैं, आप महाराष्ट्र से आए हो, आपको किसी ने किराया दिया था आने के लिए, अपनी मर्जी से आए हैं, ये प्यार है। मतलब आप मुझे दिखा देना भाजपा की रैली में या भाजपा में कभी ऐसा जनसैलाब आपने नहीं देखा होगा, यहाँ से लेकर वो 700 मीटर तक पब्लिक ही पब्लिक थी, जनता ही जनता थी, और अभी भी है। ये सिर्फ इतनी धूम में खड़े हैं तो इसलिए खड़े हैं कि आगे आने वाले टाइम में हमारे देश का एक अच्छा विकास हो, और केजरीवाल को लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इस बात की आजकल चर्चा पूरे देश में चल रही है, और जोरों से आने वाले 5 सालों के बाद अरविंद केजरीवाल जी हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि केजरीवाल जी जो बात करते हैं वो ये बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। आज इस सभा समारोह में आपको एक बात देखने के लिए जरूर मिलेगी दोस्तों, यहाँ पे हिंदू भी मिलेगा आपको, मुसलमान भी मिलेगा आपको, सिख भी मिलेगा आपको, और ईसाई भी मिलेगा। भाजपा वाले क्या कहते हैं कि मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलता। मेरा नाम आसिफ खान है, हमें क्या दिक्कत है भारत माता की जय बोलने से? भाई तुम क्यों झूठे इल्जाम लगा रहे हो, क्यों देश में भ्रम फैला रहे हो? क्या हमारे चाचा खड़े हैं ये? क्या हमारे चाचा को कोई दिक्कत है वंदे मातरम बोलने से? किसी को दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत सिर्फ ये है कि मुसलमानों के वोट भाजपा को नहीं मिलते, उनको दिक्कत सिर्फ ये है। शाहीन बाग के मुद्दे से चुनाव नहीं जीत सकते साहब, धरातल पे काम करना पड़ता है। गरीब के बच्चों को केजरीवाल ने पढ़ाया है, गरीबी घर में केजरीवाल ने 24 घंटे बिजली दी है, गरीब की माता बहनों को केजरीवाल ने फ्री में सफर करने का मौका दिया है, और रोजगार के अवसर पैदा करे हैं, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई और अस्पतालों में अच्छी दवाई की सुविधा केजरीवाल ने की है, धरातल पे केजरीवाल ने काम किया है। दैट्स व्हाई केजरीवाल मैं आपको बता दूं एक बात और, सख्ती थोड़ी ठीक है लेकिन पत्थर होना ठीक नहीं जनाब। हिंदू मुसलमान करते रहो ठीक है, लेकिन सख्ती थोड़ी ठीक है लेकिन पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है लेकिन कट्टर होना ठीक नहीं, हिंदू मुस्लिम ठीक है लेकिन कट्टर होना ठीक नहीं। और समंदरों के सफर में हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते, खुदा चलाता है।
और आज खुदा ने जो हवा चला रखी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे मुल्क में एक शांति अमन भाईचारे की हवा चल रही है, और ये हवा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चलेगी और पूरे राजस्थान, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश, अंडकुमार, और ये पूरे हिंदुस्तान में इस हवा का चलन होगा। और आप देखना आने वाले 5 सालों में अरविंद केजरीवाल जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री होंगे। बोलो वंदे भारत माता की, सुभान अल्लाह, थैंक यू।